18 दिसंबर को हुए संजली हत्याकांड के खुलासे के बाद भी इस मामले में लोगों का विरोध जारी है। आगरा के दलित समाज ने शुक्रवार को संजली हत्याकांड न्याय मोर्चा का गठन किया। संजली के भाई योगेश के पिता ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। मेरा नाम तेज सिंह है। योगेश कौन लगता है? योगेश मेरा बेटा था। क्या कहना चाहते तेज सिंह? हम जो ये साहब ने, कप्तान साहब ने जो भी डिसीजन दिया है पेपर के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, ये हमें बिल्कुल भी मान्य नहीं है, जो निराधार गलत है और हम सीबीआई की जांच चाहते हैं। आगरा पुलिस दावा कर रही है उनके पास तमाम साक्ष्य हैं जिसके आधार पर उन्होंने खुलासा किया है, तो ऐसा है, मैं कैसे आप दावा कर रहे हैं कि सीबीआई जांच? हमारे पास भी ऐसे सबूत हैं, हम भी दावा कर रहे हैं कि ये निराधार गलत है। क्या क्या और सबूत हम सीबीआई के सामने रखेंगे? संजली हत्याकांड के मामले को लेकर के पुलिस की जो गिरफ्तारियां की हैं, जो पुलिस ने खुलासा किया है, वो संजली के परिजनों द्वारा संदिग्ध बताया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि ये पुलिस के द्वारा गलत खोला गया है। समाज के तमाम समाज सेवियों और संगठनों द्वारा जब उस पर चिंतन और मंथन किया गया तो इसको आवाज़ के लिए सामाजिक लोगों ने ये आवाज़ उठाई है कि भाई संजली के माता पिता और संजली को न्याय मिलना चाहिए। कप्तान ने जो सबूत दिए हैं उन सबूतों के आधार पर तो कप्तान खुद फंस रहे हैं। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी संबंध रखता हूँ। जो संजली के ताऊ हैं, योगेश के पिता हैं, समाज के भी रोए फिर आई, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मेरा बच्चा निर्दोष है, कोई भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है? तो मैंने भैया ठीक है, अगर ये वाली बात है तो हम शासन प्रशासन में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन आप कह रहे हैं सीबीआई जांच, तो हम भी कह रहे हैं सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर।